नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप सब दिख रहे हैं RDXR यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो अपडेट है ये द बिग पिक्चर, जो कि कलर्स टीवी पर या वूट एप्लीकेशन पर जो शो आता था उसके संदर्भ में है। और क्या अपडेट है, हम आपको बता दें कि इसके पहले जब जब विनर्स अपडेट हुए थे, प्ले अलॉन्ग विथ रणवीर जो आता था और हर एपिसोड में 5 विनर्स डिक्लेयर किए जाते थे, तो जिनको 1-1 लाख रुपए प्राइस था, तो उनके जो नाम है वो 2-3 वीडियो में जैसे जैसे नाम अपडेट होते गए वैसे वैसे मैंने नाम अपने वीडियो के माध्यम से भी बताए थे। तो उसी बैनर को अगर आप ओपन करते हो मान लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुल 26 एपिसोड्स के जो विनर्स है उनके नाम यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब लगभग सभी एपिसोड्स के विनर्स यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं, परंतु लगभग सभी विनर्स डिक्लेयर नहीं हुए। मतलब कि हर एपिसोड के 5 विनर्स को 1-1 लाख रुपए का प्राइज़ मिलने वाला था, पर अगर आप ये अंतिम एपिसोड ही अगर चेक करते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही विनर्स के नाम दिखाई देंगे। ये एक दिख रहा है और एक दूसरा, 2 ही दिख रहे हैं यहाँ पे। बाकी के विनर्स यहाँ दिखाए कि द रेस्ट ऑफ द विनर्स फॉर दिस एपिसोड विल बी अनाउंस्ड सून। मतलब कि बचे हुए जो विनर्स हैं वो इस एपिसोड के बचे हुए विनर्स जल्द ही डिक्लेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये विनर्स की लिस्ट जो है वो अभी भी अपडेट नहीं हुई है। और आज की जो अपडेट है वो दर्शकों के लिए खुशी की खबर वाली अपडेट है। दरअसल बताओ तो, क्योंकि जितने भी विनर्स के नाम यहाँ पे डिक्लेयर हो गए हैं या मैंने जब वीडियो बनाया था तब काफ़ी सारे दर्शकों के माध्यम से सवाल पूछे जा रहे थे कि सर प्राइज कब मिलेगा और प्राइज कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, इसके संदर्भ में काफ़ी सारी दुविधाएं भी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी भी क्रिएट हो सकते हैं, पर मैंने बोला था कि आपको जब प्राइज मिलेगा तो आपको ईमेल वगैरह के माध्यम से या फिर एप्लीकेशन पर ही लिंक विंक वगैरह कुछ ना कुछ आएगी या कुछ ना कुछ रिडीम करने के लिए लिंक मिलेगी या रिडीम का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। अभी पता नहीं वैसा है या नहीं है, पर मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, जो भी दर्शक यानी जीत चुके हैं प्राइज, उन सबको जो प्राइज मनी है उनका जीता हुआ जो 1 लाख रुपए पुरस्कार है, वो पुरस्कार टैक्स काटकर, जी हाँ, टैक्स काटने के बाद जो बची हुई राशि है वो मतलब दी जा रही है, प्रदान की जा रही है वूट एप्लीकेशन या द बिग पिक्चर के टीम के तरफ से। तो दोस्तों, ये कैसे दी जा रही है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो जिन भी लोगों के नाम आए हुए हैं लिस्ट में अपडेटेड है, उन सभी को, सभी दर्शकों को ये प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम लोगों को हो चुका है, जिनको नहीं हुआ है उनको जल्दी हो जाएगा। और आपको बता दूं कि ये प्राइज जो दिया जा रहा है दोस्तों, 1 लाख रुपये का प्राइज था, पर उसमें से 30% यानी कि 30,000 रुपये जो है वो टैक्स डिडक्ट हो रहा है, और टैक्स डिडक्शन के बाद बची हुई जो 70,000 रुपये राशि है, 70,000 रुपीज़, वह राशि प्रदान की जा रही है। और ये जितने भी दर्शकों के नाम लिस्ट में आ चुके हैं, अपडेटेड हो चुके हैं एप्लीकेशन पर, उन सभी दर्शकों को प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम लोगों को हो गया है, जिनको नहीं हुआ है उनको हो जाएगा। और जितनी जानकारी मुझे है उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊँ तो यह जो प्राइज मनी दी जा रही है, यह प्राइज मनी पेटीएम के माध्यम से दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जो भी नंबर आपने वूट एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन किया था और जो भी नंबर से आप खेले हो और जीते हो, तो वो नंबर अगर पेटीएम पर रजिस्टर्ड है तो आपके पेटीएम के वैलेट में 70,000 रुपये अगर आप जीत गए होंगे तो वह क्रेडिट की गई होगी आपकी जो जीती हुई राशि, अगर नहीं की गई होगी तो होगी, क्रेडिट की जाएगी। आपको मैं एक प्रूफ भी दिखाता हूँ, ये हमारे मतलब कहीं इंटरनेट के माध्यम से ही मुझ तक जो पहुँचा वही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। ये आप देख सकते हो, कैशबैक रिसीव्ड अमाउंट 70,000 रुपीज़। तो ये वूट एप्लीकेशन के माध्यम से यानी वूट द बिग पिक्चर के तरफ से कैशबैक जैसी मिलती है पेटीएम पर कोई ट्रांजैक्शन करने के बाद, उसी तरीके से ये पेटीएम वैलेट में पैसे गए हैं, ये आप देख सकते हो। और ये वैसे कल यानी कि 9 मई 2022, कल नहीं परसों के दिन 9 मई 2022 के रात के 11:10 का स्क्रीनशॉट है, वही स्क्रीनशॉट है। 70,000 रुपये ये जो है ये क्रेडिट है, मेरा स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो भी अगर प्राइज़ मिला होगा, अगर आपने चेक किए होंगे तो आपको SMS
आया होगा आपके एप्लीकेशन पर, नोटिफिकेशन आया होगा, और नहीं होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने मतलब अलग से पेटीएम नंबर मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर मेरी जानकारी या मुझे जो भी लगता है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो जो भी नंबर आपका रजिस्टर्ड है वुड एप्लीकेशन पर, वही और जो नंबर जीता है तो वही नंबर अगर मान लो पेटीएम पे होगा लिंक्ड तो सीधे सीधे आपको प्राइज मनी उस नंबर पे डाल दी जाएगी। हाँ, अब ये क्योंकि दोस्तों पेटीएम यूपीआई के माध्यम से ये नहीं भेजी गई है, अगर आप पेटीएम यूपीआई के माध्यम से भेजी जाती तो सीधे सीधे वह मनी आपके बैंक में आ जाती, परंतु ये बैंक में नहीं आई है, ये जो पैसे आए हैं पेटीएम के वैलेट में आए हैं। आप देख सकते हो पेटीएम वैलेट लिखा है, पेटीएम वैलेट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड पेटीएम यूपीआई इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब कोई पेटीएम के यूपीआई से आपको पैसा भेजता है तो आपके बैंक में जमा होते हैं, और पेटीएम के वैलेट से भेजे तो पेटीएम पर ही रहते हैं, तो पेटीएम के वैलेट में यह पैसा आया है। हाँ, क्यों, अब क्या होता है कभी बार जो आया हुआ पैसा कहीं से अगर हमको पेटीएम वैलेट में मनी अगर आता है तो वह पैसा हम बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मान लो पेटीएम का कोई मर्चेंट है और उसको अगर कोई पहले मतलब जब यूपीआई वगैरह नहीं था उस वक्त पेटीएम वैलेट में ही पैसे डालते थे, तो उस वक्त जो पैसा था वो कुछ प्रतिशत चार्ज लगता था बैंक में ट्रांसफ़र करने का, पर ट्रांसफ़र हो जाता था बाद में, तो मेरे ख्याल से चार्ज भी लगना शायद बंद हुआ या कम हुआ पता नहीं, और होता था। अभी पेटीएम यूपीआई एक अलग चीज़ हो गया, पेटीएम ने यूपीआई भी मतलब पेटीएम पर आ गया है, तो यूपीआई जब था तो मेरे ख्याल से तो सीधे सीधे पेटीएम यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजा जाना चाहिए था, कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे पेटीएम का जो आईडी है वही डाल देते तो सीधा बैंक में आ जाता, अगर पेटीएम के वैलेट के साथ पेटीएम का अगर लिंक्ड होगा एप्लीकेशन यानी कि बैंक अकाउंट यूपीआई अकाउंट तो, पर वो ऐसा किया नहीं गया है। अब एक सवाल उठता है कि अगर मान लो आपने जिस नंबर से खेले हो वो नंबर अगर पेटीएम पर नहीं है, आप अगर पेटीएम इस्तेमाल ही नहीं करते पेटीएम का वैलेट, तो क्या होगा, तो आपका पैसा आएगा नहीं आएगा, आएगा तो फिर कहाँ आएगा, ये सवाल ज़रूर है। और इसके लिए फिर मैं अपने दर्शकों को यही सलाह दूंगा कि आप एक बार जो वुड की टीम है, अगर मान लो आपका नाम लिस्ट में है और अगर आपके पेटीएम में पैसा नहीं आया है या आप पेटीएम चलाते ही नहीं, तो ऐसे वक्त में क्या, तो आप दो काम कर सकते हो, एक आप सीधे सीधे पेटीएम पर अकाउंट क्रिएट करके रख सकते हो फिलहाल तो, यानी केवाईसी वगैरह करा लोगे तो आपके वैलेट में पैसे आ सकते हैं, यानी आप एक रास्ता क्रिएट कर रहे हो पैसे आने के लिए, अगर पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप कलर स्लिप या वुड वालों को जो भी मतलब उनका नंबर या सॉरी नंबर नहीं ईमेल आईडी है तो उस या आपको अगर कांटेक्ट किया गया होगा सपोज जीते गए हैं करके, या आपने जब भी वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया होगा जो भी डॉक्यूमेंट कुछ भी, तो उन आईडी पर उस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए कि क्या हुआ है और उनको बताइए। अगर आप अब तक पेटीएम नहीं चलाते और अभी अगर आपने पेटीएम का अकाउंट क्रिएट किया हो तो आप पेटीएम आप अवेलेबल है करके बताओ, और नहीं तो आप दूसरा कोई तरीका उनको भेजो पेमेंट के लिए, तो उस पर वो पैसे भेजेंगे। अगर आप जीते हो तो ज़रूर आपको पैसे मिलेंगे। छोटी सी अपडेट अब और एक है कि जैसे कि मैंने इसके पहले एक स्क्रीनशॉट दिखाया था वुट एप्लीकेशन पर, जिसमें ये लिखा था कि दो लोगों के नाम आए थे और रिमेनिंग जो विनर्स है वो जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे बोला था। ये एक जानकारी गुप्त सूत्रों से मुझे ये भी है कि कुछ ऐसे दर्ज मतलब क्या बोल सकते हैं कि जिस एपिसोड के पूरे 5 विनर्स डिक्लेयर नहीं भी किए गए होंगे यानी कि एप्लीकेशन पर, फिर मान लो एप्लीकेशन पर किसी एपिसोड में 2 ही लोगों के नाम दिखते हैं, बचे हुए 3 नाम हम जल्दी अपडेट करेंगे या जल्दी अनाउंस करेंगे करके लिखा गया हो और वो नाम भले ही अपडेट न किए गए हो, परंतु उन बचे हुए जो लोग हैं विनर्स हैं वो विनर्स निकाले गए और उन विनर्स को राशि क्रेडिट भी की गई है, उनको भी राशि भेजी गई है, ऐसा भी मतलब मुझे जानकारी मिली है। तो अगर ये जानकारी तो हो सकता है कि आपका नाम भले ही विनर्स की लिस्ट में ना हो पर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हो और आप जीत गए हो तो आपको राशि मिली हो सकती है, तो आप एक बार पेटीएम का वैलेट एक बार चेक कर लीजिए। और अगर मान लो आपको लगता है आपने सब्सक्राइब वगैरह किया था और पेटीएम यूज़ नहीं करते तो आप मेल करके पूछिए तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट, 70,000 रुपये टैक्स काटने के बाद द बिग पिक्चर खेलने वाले जो भी और विजेता है जो भी जीते चुके हैं तो जीतते हुए कंटेस्टेंट्स को 70,000 रुपये की जो राशि है वह राशि पेटीएम वैलेट के माध्यम से वुड एप्लीकेशन के विजेताओं को भेजी जा रही है, जैकपॉट जो है विनर्स है उनको, तो जिसको भी ये राशि मिली है उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बधाई हमारी तरफ से।
थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आपको हमने जो भी बताए वो थोड़ा सा उस दिशा में अगर आप काम करते हो तो जिनको भी राशि नहीं मिली है और विनर्स हुए हैं या उनके नाम अगर लिस्ट में है तो उनको राशि मिले और यही मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कौन ओनर करोड़पति और कौन बनेगा करोड़पति वगैरह से संबंधित जो भी अपडेट्स होगी वो अपडेट जल्दी मिल जाएगी, तो उसके लिए बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।